हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्प्लेंडर एक्सटेक आ रही है उसके अंदर एक तो दिया होता है ओडोमीटर, और दूसरा होता है ट्रिप ए, और तीसरा होता है ट्रिप बी। तो ये ट्रिप ए और ट्रिप बी क्या है, तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने ट्रिप ए को ज़ीरो कर लेते हैं और ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर लेते हैं। इसके बाद अपने ये टोटल बचा है यहाँ पे 15,749 किलोमीटर है ओडोमीटर में। तो ट्रिप ए और ट्रिप बी क्या है, तो चलिए बाइक को सबसे पहले अपने रनिंग पे लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रिप ई और ट्रिप बी क्या है। तो ट्रिप ए पे करके अपने बाइक को रनिंग पे लेते हैं अभी। तो दोस्तों, बाइक चल गई अपनी 1 किलोमीटर, देख लीजिए आप लोग, पूरा 1 किलोमीटर चली है। और अभी ट्रिप बी क्या है, यानी ट्रिप ए के अंदर तो ये चला है पूरा 1 किलोमीटर, और ट्रिप बी के अंदर भी 1 किलोमीटर दिखा रहा है दोस्तों। तो ये ट्रिप ए और ट्रिप बी के अंदर दोनों सेम दिखा रहा है। तो चलिए अपने ट्रिप ए को रहने दीजिए, ट्रिप बी को ज़ीरो कर लेते हैं अपने। अभी वापस इसको 1 किलोमीटर रनिंग पे फिर से चलाएंगे और देखते हैं कि ट्रिप ए के अंदर क्या दिखाता है और ट्रिप बी के अंदर क्या दिखाता है। तो फिलहाल अपना ट्रिप ए के अंदर एक ही है, 1 किलोमीटर है, और बी के अंदर 0 है। तो चलिए इसको चलाते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, ट्रिप बी के अंदर भी 1 किलोमीटर अपने चला दिया बाइक को। अभी ट्रिप ए और ट्रिप बी के अंदर अपने चेक कर लेते हैं। ट्रिप बी के अंदर भी 2.2 दिखा रहे हैं, और ट्रिप ए के अंदर बी के अंदर 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं। यानी कि आप लोग कहीं पे जा रहे हो, जैसे 10 किलोमीटर पे आप गए, ट्रिप ए को 0 कर लिया, यहाँ पे 0 कर लिया, उसके बाद आप 10 किलोमीटर रनिंग पे जाइए और वहाँ पे ट्रिप बी को 0 कर दीजिए। वहाँ से वापस आओगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि अपने 10 किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर से ऊपर चलेंगे। तो ये खेल है पूरा का पूरा ट्रिप ए और ट्रिप बी का। दोस्तों, अपना वीडियो जो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।